वो कहा करते थे डूबते को तिनके का सहारा, अब लगता है जीतने वाले को पंचांग का सहारा। कांग्रेस कैलेंडर में लिखी बातों से मध्य प्रदेश में राज तिलक का इंतजार कर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस कैलेंडर में कहीं भी कांग्रेस की सरकार बनने का दावा नहीं किया गया है। इस कैलेंडर में कहीं भी कांग्रेस की सरकार बनने का दावा नहीं किया गया है। खुद पूर्व सीएम और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ कहते हैं कि उन्हें ज्योतिष की जरूरत नहीं है, कांग्रेस की स्थिति बेहतर है ये हमें लोग बता रहे हैं। आप लोग भी कहते हैं मुझे चुपचाप कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं, तो पंचायत को कैसे कहते हैं सर? आप लोग भी मुझे कहते हैं। कमलनाथ जी को भले ही पंचांग या ज्योतिष की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में पुजारियों की बहुत जरूरत है। इसीलिए पिछले साल नवंबर में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पुजारी प्रकोष्ठ का गठन किया। हर जिले में पुजारी प्रकोष्ठ बनाने का ऐलान हुआ। इस पुजारी प्रकोष्ठ के जरिए कांग्रेस मध्य प्रदेश के हर मंदिर में पहुंचकर पुजारियों को पार्टी से जोड़ेगी, पुजारियों की समस्या सुनी जाएगी और सरकार आने पर उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस का प्लान यह भी है कि पुजारियों के जरिए कांग्रेस की कथित हिंदू विरोधी छवि को भी ठीक किया जाए। यानी पुजारियों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस बहुत कोशिश कर रही है। पुजारियों की बात चली है तो कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी की उस बात का जिक्र जरूरी है जिसमें उन्होंने कहा था कि यह देश पुजारियों का नहीं तपस्वियों का है। इस बयान को और पुजारी प्रकोष्ठ को एक साथ देखेंगे तो आपको बड़ा विरोधाभास नजर आ जाएगा। ओहो, तो सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन न्यूज खत्म नहीं हुई है। आगे टीवी 9 भारतवर्ष में खबरें जारी रहेंगी। सभी न्यूज मित्रों को हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खबरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप करें। नमस्कार।